गलत चीजें कह रहा था। मैंने बीच में कहा राफाल जो हवाई जहाज है उसके बारे में मैंने कहा, थोड़ा समझाया, अभी ये समझाऊंगा आपको, मगर थोड़ा समझाया। और मैं देख रहा था वहां पे दो तीन लड़के खड़े थे, वो मेरे भाषण को सुन रहे थे। और मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को चौकीदार बोला है, और उन दो लड़कों ने एकदम कहा चौकीदार। वहां से वो प्यारा नारा चालू हुआ, छत्तीसगढ़ के दो युवाओं ने। अजीब सी बात है, देखो जो आवाज हिंदुस्तान के दिल में होती है, जो आवाज हिंदुस्तान के दिल में होती है, दो युवाओं के दिल में जो बात थी, अंत में वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी सुननी पड़ती है। सच्चाई से कोई नहीं बच सकता, कितना भी बड़ा हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, सच्चाई से नहीं बच सकता। सच्चाई सामने आती है, और सच्चाई सामने आ गई। अच्छा, दूसरी बात, ये तो पब्लिक मीटिंग है, आप कोशिश कीजिए, ट्राई करना आज शाम को, पब्लिक मीटिंग में तो होगा यहां पे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, मगर आप एक और चीज ट्राई करना, शाम को वापस जाएंगे किसी चौराहे पे, आप बस ये शब्द बोलना, चौराहे पे जाके स्कूटर पे बस चौकीदार बोलना, देखो क्या होता है। एकदम चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, पूरा पूरा हिंदुस्तान जानता है। अच्छा देखिए, जबलपुर से भी चोरी की। आप सोचते हो कि सिर्फ राफेल मामले में चोरी हुई है, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिया, आप ये सोचते हो, मगर नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जबलपुर से चोरी की है नरेंद्र मोदी जी ने। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, एचएल सरकारी कंपनी 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, मिग हवाई जहाज, मिराज, जैगुआर हवाई जहाज बनाती है। नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट, एचएल कंपनी से छीना। और पूरे देश में मैं कहता हूं, बाकी लोग कहते हैं कि एचएल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था, सरकारी कंपनी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था, मगर अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी ने दिया। 526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में फ्रांस को दिया। हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनना था, अब फ्रांस में बनेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने मुझे साफ बोला कि सरकारी कंपनी एचएल को परे करो, इस अनिल अंबानी को सामने लाओ, और ये 1600 करोड़ रुपए लेंगे, 526 मत मांगना। मगर आप सोचिए, ये सिर्फ हवाई जहाज नहीं है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, मगर फाइटर एयरक्राफ्ट बम भी गिराता है, फाइटर एयरक्राफ्ट में कैनन भी होती है, उसमें ऑर्डिनेंस भी होता है, के जो हथियार हैं राफाल हवाई जहाज के, जो हथियार हैं, जो बम हैं, आपको मालूम है कहां बनते? आपके यहां बनते, यहां जो बंद कर रखा है नरेंद्र मोदी ने, 5,000 लोगों को यहां रोजगार देते हैं, पहले जो 20,000 लोगों को यहां रोजगार मिलता था, राफाल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट आता है हिंदुस्तान में, ऑर्डिनेंस का कॉन्ट्रैक्ट आता, तो यहां पर फिर से 20,000 लोगों को रोजगार मिलता। हाँ, 1 लाख, सॉरी, 1 लाख लोगों को यहां रोजगार मिलता था, फिर से उससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता, मगर नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा राफाल हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, राफाल हवाई जहाज के बम हिंदुस्तान में नहीं बनेंगे, फ्रांस में बनेंगे, हमें अनिल अंबानी को पैसा दिलवाना है, 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में डालना। हाँ, अगली बार नरेंद्र मोदी जी आएंगे, भाषण देने आएंगे, आप उनसे पूछना, भैया 30,000 करोड़ रुपए आपने अनिल अंबानी की जेब में डाले, तो
जरा ये बताइए चौकीदार जी, अनिल अंबानी ने आपको क्या दिया? क्या दिया आपको? 30,000 आपके, 30,000 करोड़ रुपए उसके जेब में डाले चौकीदार जी। अनिल अंबानी ने चौकीदार को क्या दिया ये जरा बताइए, ये पूछना उनसे। भाइयों और बहनों, 5,55,000 करोड़ रुपए इस चौकीदार ने 15 लोगों को दिए हैं। नाम बता देता हूं, आप देखिए नाम आप जानते हो, नीरव, ललित, मेहुल, विजय, अनिल, देखिए सब कुछ जानते हो आप लोग। 15 लोगों को 5,55,000 करोड़ रुपये दिए। आपसे कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, माताजी आपको मिले 15 लाख बैंक अकाउंट में मिले? पहले मोदी जी कहते थे मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं, चौकीदार हूं, आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा। प्रधानमंत्री बने कहते भैया आप कौन हो, मैं तो अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा। अन्याय 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 अन्याय, 5 साल अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, माताओं बहनों के साथ अन्याय, युवाओं के साथ अन्याय, अन्याय की सरकार है। 5 महीने पहले मैंने डिसीजन लिया, मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, थिंक टैंक को बुलाया, मैंने कहा बैठिए चाय पीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। क्या बात है, देखिए नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, झूठ निकला, अन्याय की सरकार चलाई, कांग्रेस पार्टी 2019 में चुनाव जीतने वाली है। मैं भी एक नंबर चाहता हूं आपसे। कौन सा नंबर? मैंने उनसे कहा देखिए मैं ये जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के गरीब, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में मैं कितना पैसा डाल सकता हूं बिना अर्थव्यवस्था को नष्ट किए, जैसे नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी में आपको चोट मारी बिना किसी को चोट लगाए। मैं जानना चाहता हूं कि अगर हम चाहें हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहें, इन महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहें, आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहें, तो कितना डाला जा सकता है? तो उन्होंने नहीं, सुनो सुनो, तो उन्होंने मुझे मुझे बोला ये आप कैसी बात कर रहे हो, आप जानते हो हिंदुस्तान में कितने गरीब लोग हैं? मैंने पूछा कितने हैं, कहते हैं 25 करोड़। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपने नंबर दे दिया, 25 करोड़ लोग मतलब 5 करोड़ परिवार। हां मैंने कहा बिल्कुल सही, मैं इनके बैंक अकाउंट में सबके बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं, एक को नहीं छोड़ना चाहता हूं, एक को नहीं छोड़ना चाहता हूं। आप मुझे बताओ कितना पैसा डाला जा सकता है? कुछ दिन पहले आते हैं, कागज लेते हैं, नंबर लिखते हैं, 72,000 रुपए। मैंने कहा 72,000 कितने समय का? 10 साल का, 5 साल का, 1 महीने का? कहते हैं राहुल जी 72,000 रुपए 1 साल का, 360,000 रुपए 5 साल के, 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में डाला जा सकता है। अब देखिए मैं ये क्यों करना चाहता हूं, दो कारण है, तीन कारण। एक, पिछले 5 साल का अन्याय, न्याय योजना 72,000 रुपए 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में डालेगी। दूसरा कारण, नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला, उन्होंने आपसे बोला कि 15 लाख रुपए देंगे। मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं, पैसे की इस देश में कोई कमी नहीं है, पैसा है मगर पैसा आपके जेब में नहीं आता है।
पैसा डायरेक्ट, मैं बता रहा हूं आपको, याद है मध्य प्रदेश के चुनाव में मैंने कहा था कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, कर्जा माफ होगा, 10 दिन में होगा, याद है आपको? 2 दिन में हुआ ना, 2 दिन में हुआ, किया गया। मैं जो बोलता हूं करता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए माताएं बहने, 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और आप सबके बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए आएगा, साल के 72,000, 5 साल के 3,60,000। जैसे कर्जा माफी की बात की थी वैसे मैं यहां से स्टेज से कह रहा हूं, एक गरीब व्यक्ति एक नहीं बचेगा, सबके बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए जाएंगे। अच्छा, यहां बहुत पुरुष खड़े हैं, महिलाएं भी हैं, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझसे गुस्सा मत होना, पहले ही बता रहा हूं, बाद में शिकायत नहीं करना, पैसा उनके बैंक अकाउंट में जा रहा है महिलाओं के, उनसे बात कर लेना, उनसे मांग लेना, मगर मैं पहले ही बता रहा हूं, 5 करोड़ परिवारों को पैसा मिलेगा मगर बैंक अकाउंट महिला के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। ये आपसे अच्छा पैसा इस्तेमाल करती हैं, ये जानती हैं, थोड़ी दूर की दृष्टि होती है इनकी, देखिए हंस रही है ये, इनको नरेंद्र मोदी जी ने लाइन में खड़ा किया था। अच्छा, जब ये आपको पैसा मिलेगा लाइन में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं होगी, नरेंद्र मोदी जी ने जो अकाउंट खोले ना उसी में डालूंगा मैं सीधा डायरेक्ट। अच्छा, गैस सिलेंडर का कितना पैसा काटा, कितना काटा नरेंद्र मोदी जी ने, हाफ प्राइस कर दिया क्या, कितना बढ़ाया भैया बताओ, कितना बढ़ाया, दुगना कर दिया, और भाषण करते हैं मैंने सब महिलाओं को गैस दिलवाई, दुगना कर दिया। अच्छा चलो किसानों की बात करते हैं, केरोसिन की सब्सिडी बंद कर दी नरेंद्र मोदी ने, अच्छा किसानों की बात करते हैं, छोटा सा सवाल, अनिल अंबानी जेल में है बाहर है, बाहर घूम रहा है, नीरव मोदी जेल में बाहर है, मेहुल चौकसी अंदर बाहर, ललित मोदी अंदर बाहर, सबके सब बाहर है ना, सबने कर्जा लिया वापस नहीं दिया, ठीक है। अब मध्य प्रदेश का किसान 20,000 रुपए लेता है, कर्जा वापस नहीं देता है, तो अंदर होता है बाहर होता है, अंदर। तो ये आप मुझे समझाइए, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग कर्जा वापस नहीं देते, हजारों करोड़ रुपए कर्जा वापस नहीं देते, वो बाहर होते हैं, और हिंदुस्तान का किसान, मध्य प्रदेश का किसान 20,000 रुपए लेता है, कर्जा वापस नहीं देता, वो अंदर हो जाता है, क्या ये आपको सही लगता है माताएं, आपको सही लगता है? ये हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, 2019 के चुनाव के बाद हिंदुस्तान का, मध्य प्रदेश का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। ऐतिहासिक काम। अच्छा, नरेंद्र मोदी पूछते हैं कभी कभी स्टेज पे आके पूछते हैं, न्याय योजना का पैसा कहां से आएगा, न्याय योजना का पैसा कहां से आएगा? मोदी जी मैं बताता हूं, आपका जो दोस्त है ना अनिल अंबानी चोर, उसके जेब से निकाल के डालूंगा। पर एक और बात समझ लीजिए, मैंने सच्चाई की बात की थी, कोई नहीं बचेगा, राफेल मामले पे इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होगी, मोदी जी सुन लीजिए अच्छी तरह, इंक्वायरी होगी और दो नाम निकलेंगे, नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी, अनिल अंबानी नरेंद्र मोदी। अच्छा, भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना, मैं बताता हूं, देखो यहां जो युवा आए हैं आप अच्छी तरह सुनो, वो भी मर्डर अक्यूज्ड, मर्डर अक्यूज बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह, वाह क्या शान है, मर्डर अक्यूज बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह। अच्छा, जय शाह का नाम सुना है, जादूगर है जय शाह, 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ बना दिया उसने,
खैर देखिए, मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं, भ्रष्टाचार की बात करनी है ना, किसी भी जगह कोई भी टाइम मेरे से डिबेट कर लो। मैं चैलेंज करता हूं, नरेंद्र मोदी जी आप आइए, रेसकोर्स रोड में मुझे बुलाना है वहां बुला लीजिए, डिबेट करते हैं भ्रष्टाचार पे, हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के बारे में डिबेट करते हैं। आप जो कहना है कहो, मैं राफेल के बारे में बोलूंगा, फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो बोला उसके बारे में बोलूंगा, 20 मिनट लगेंगे। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा, मगर डरते हैं, डरता है नरेंद्र मोदी, डरता है। मैं हर मीटिंग में बोल रहा हूं, भैया चैलेंज है, भ्रष्टाचार की बात करते हो, आ जाओ सामने, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। चेहरा नहीं दिखा पाएगा नरेंद्र मोदी देश को, मगर नहीं आता, डरता है नरेंद्र मोदी जी, डरते हैं, घबराते हैं, भैया कहीं पोल ना सचमुच में ना खुल जाए। पार्लियामेंट हाउस में डिबेट हुई 1.5 घंटा, 4 सवाल पूछे थे मैंने, 4 सवाल पूछे थे, 1.5 घंटा बात की नरेंद्र मोदी ने, उनकी रिकॉर्डिंग देखो, सवाल का जवाब नहीं दे, भाषण दिया कैसे दिया मैं देखता हूं, मैं बताता हूं, देखो मेरा चेहरा देखो, कभी मोदी जी यूं देखें, कभी यूं देखें, कभी यूं देखें, कभी यूं देखें, आंख में आंख नहीं मिलाई, क्योंकि चौकीदार। अच्छा अब युवाओं की बात करता हूं, चौकीदार ने युवाओं को कहा 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा। अच्छा जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितनों को दिया, 27,000 युवा 24 घंटे में हिंदुस्तान में आज रोजगार खोते हर रोज। मैं आपको यहां 2 करोड़ युवाओं का झूठ नहीं बोलूंगा, मगर मैं आपको यह बता दूंगा, 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली हैं, मैंने पता लगाया है, 22 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी 1 साल के अंदर रोजगार दिलवा देगी, 22 लाख सरकारी नौकरियां दिलवा देगी, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में कांग्रेस पार्टी रोजगार दिलवा देगी। अब न्याय योजना का जादू समझिए, सोच समझ के काम करते हैं हम। नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला, नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, आपके जेब से जैसे पैसा गया आपने माल खरीदना बंद किया, महिलाओं ने साड़ी खरीदनी बंद की, आपने शर्ट पैंट जूता कंघी टेलीफोन ये सब खरीदना बंद किया था ना, ठीक है, जैसे ही आपने खरीदना बंद किया हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने बनाना बंद किया, सही, जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने बनाना बंद किया, फैक्ट्रियों के मालिकों ने युवाओं को बुलाया, कहा भैया आपकी कोई जरूरत नहीं, वापस जाओ, बेरोजगारी बढ़ी, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। अब जैसे ही न्याय योजना आपके जेब में पैसा डालेगी, 8,000 रुपए महीने का, 72,000 रुपए साल का, वैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे, दुकानदार माल बेचना शुरू करेंगे, जैसे ही दुकानों में माल बिकेगा, जैसे ही आप लोग माल खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू होंगी, हिंदुस्तान की फैक्ट्री मालिक घूम घूम के मध्य प्रदेश के युवाओं को ढूंढेंगे, कहेंगे भैया इधर आओ, रोजगार रोजगार की जरूरत है, चलो इधर आओ फैक्ट्री में काम करो। न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करेगी, न्याय योजना का पैसा जैसे इंजन में पेट्रोल जाता है, वैसे ही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में हम पेट्रोल डाल रहे हैं। न्याय योजना शुरू करने के बाद हम चाबी घुमाएंगे, धड़ाक से लाखों युवाओं को मध्य प्रदेश में, बाकी प्रदेशों में रोजगार मिलेगा। बहुत बढ़िया, यह है कांग्रेस पार्टी की सोच, हम सोच समझ के काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अच्छा भैया अमित शाह का बेटा 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ बनाता है, और नरेंद्र मोदी देश के बाकी युवाओं को कहते हैं आप पकौड़ा बनाओ, पकौड़ा बनाओ।
पकौड़ा क्यों बनाए, राफाइल हवाई जहाज को क्यों ना बनाए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए ऑर्डिनेंस क्यों ना बनाए। नहीं 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 नहीं, वो तो सिर्फ अनिल अंबानी को जाएगा, फ्रांस की फैक्ट्री को जाएगा, हिंदुस्तान की फैक्ट्री को नहीं जाएगा, हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं जाएगा। आप लोग पकौड़ा बनाओ, नहीं राफाल हवाई जहाज। देख याद रखिए, मैं कह रहा हूं यहां से, राफाल हवाई जहाज को हिंदुस्तान का युवा बनाएगा और राफाल हवाई जहाज के कॉन्ट्रैक्ट का फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा, फ्रांस को नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। आप सब दूर दूर से आए, रात का समय है, शाम का समय है, दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और देखिए तनखा जी जो है इनको आप एमपी बनाइए, ये जबलपुर को बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। 25 साल यहां कुछ नहीं हुआ, इनको लाइए और देखिए ये आपके लिए डट के पूरा दम लगा के काम करेंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। चौकीदार, चौकीदार।